नमस्कार दोस्तों, आरटीएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में इस बार पौष शुद्ध पूर्णिमा में जगत जननी मांबा का प्रागोत्सव धामधूम से नहीं मनाया जाएगा। शक्ति भक्ति व आस्था का त्रिवेणी संगम ऐसे जग विख्यात अंबाजी मंदिर में हर साल पौष शुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जगत जननी मांबा का प्रागोत्सव बड़ी ही धामधूम से मनाया जाता है और हाथी घोड़े व ढोल नगारे के साथ में जगत जननी मांबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। और इसी शुभ अवसर पर शक्तिपीठ अंबाजी ही नहीं बल्कि भारत व देश विदेश से भी जगत जननी मांबा के भक्तगण आते हैं और पौष शुद्ध पूर्णिमा में जगत जननी मांबा के दर्शन व आरती का लाभ लेते हैं। पर हाल ही में चल रही कोरोना वायरस की महामारी के कारण भारत देश में होने वाले बहुत से मेले व धार्मिक कार्यक्रम पर सरकार श्री के आदेश अनुसार रोक लगा दी गई है, जिसमें हर वर्ष से चला आ रहा पौष शुद्ध पूर्णिमा का मेला भी इस साल कोरोना वायरस की महामारी के कारण स्थगित रखा जा चुका है। इस बार गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी में जगत जननी मांबा का प्रागोत्सव भी नहीं मनाया जाएगा और पौष शुद्ध पूर्णिमा में हर साल होने वाले महाशक्ति यज्ञ में भी इस बार 25 या 30 यजमान ही पूजा विधि कर सकेगी। और इस शुभ अवसर पर देश विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए अंबाजी मंदिर देवस्थान ट्रस्ट द्वारा दर्शन की सुविधाएं भी चालू रखी गई है और सभी जगत जननी मांबा के यात्रीगण सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दर्शन का लाभ ले सकते हैं।